राधे राधे। ये देखो हमारे भाई साहब है एमसीएजी राठौर साहब रातलिया से, बहुत अच्छे यूट्यूबर है ये और बढ़िया सवारियों को एंजॉय करा रहे। एक बार जोर से बोलो भैया राधे 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 राधे। ये देख लीजिए नंगारी है राधा रानी के मंदिर में नए ब्लॉक में, और आज हमारा ट्रिप का लास्ट डे और फाइनल डे है। और आज हम जा रहे हैं यहाँ से पहले गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे, गिरिराज जी के दर्शन, और फिर हम वहाँ से जाएंगे बरसाना राधा रानी का मंदिर देखेंगे, वहीं पे लंच होगा, शाम को डिनर। तो आज डे का लास्ट ट्रिप, तो आप देख लो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं अपने ट्रिप से। अच्छे खुश आ रहे हो? राधे 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 राधे। तो दोस्तों अब देखो हम नाश्ता कर रहे हैं, और आज के नाश्ते में भेलपूड़ी और कचौरी। देखो भक्त को नाश्ता करते हैं, सुबह की शुरुआत हो चुकी है, और विज्जू और महेंद्र बना सभी साथ। तो दोस्तों कल क्या मेरी स्लीपर खो गई थी, तो मैं आया हूँ यहाँ पे स्लीपर लेने के लिए। जहाँ हम रुके हैं वहाँ पास में एक शॉप है, वहीं से ठीक फिट है। ये देखो दोस्तों मैंने स्लीपर ले ली है। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही फेमस पेड़े हैं ब्रजवासी के, पेड़े वो लेने के लिए घर वालों के लिए। तो दोस्तों देखो भैया हमने यहाँ से पेड़े ले लिए हैं, और एक्चुअली ये अंकित जी का आइडिया था। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं, आज हमारा डे का लास्ट ट्रिप है, तो हमने होटल से देखो चेकआउट भी कर दिया है, और आज हम जा रहे हैं यहाँ पे गोवर्धन और बरसाना में राधा रानी का मंदिर देखेंगे, और फिर वहाँ से चल रहे हैं हम लोग सब लोग। राधे राधे। देखो ये हमारा लगभग सफर पूरा हो चुका है, तो ये हमारे साथ में हमारे जो ड्राइवर, ये हमारे हलवाई है, और ये हमारे साथ में देवकी रंजन जी। तो कैसा लगा आपको हमारे साथ आगे? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी अच्छी आपने ड्राइविंग की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपने हमारी सेवा भी बहुत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राधे राधे। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बरसाना धाम की जय। बरसाना पहुंच चुके हैं, और अब यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है, तो हम लोग ई रिक्शा से जा रहे हैं, क्यों आज हरियाली थी, कारण काफ़ी भीड़ है। और आइए आप देख लीजिए, जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये पूरा बरसाना, और वो बाहर जो ऊपर आप टेंपल देख रहे हो बहुत दूर, वो है राधा रानी का मंदिर। आज हरियाली जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हो, इन्हीं सीढ़ियों को चढ़ते हुए हम जा रहे हैं राधा रानी के मंदिर में। वो देख लीजिए मैन, वहाँ तक हमें चलना ही पहले। ये देख लो राधा रानी का मंदिर है, बिल्कुल किले नुमा बना हुआ है, और इसी को हम अभी देखने के लिए जा रहे हैं अंदर। अभी हम सब राधा रानी मंदिर में पहुँच चुके हैं, और हम जो बाकी हमारे बच्चे हैं उन सब का वेट कर रहे हैं। आगे देख लो। तो दोस्तों राधे राधे वन सेकेंड, और धूप बहुत ज़्यादा है, इस कड़कड़ाती धूप में आप लोग देख ही रहे हो, आप मैंने गमछा डाली है, लेकिन पैर जल रहे हैं, क्या करें, और पैर जलेगी भी। आप देखो मेन गेट है जिसके हम अभी अंदर जा रहे हैं। ये देखो ये राधा रानी मंदिर है, और आज हरियाली तीज है, तो चारों ओर से आप अपन देख ही रहे हैं, ये बिल्कुल आपके सामने राधा रानी मंदिर है, बहुत ही अद्भुत। बिल्कुल आप सामने देख रहे हो वो है राधा रानी का मंदिर, जहाँ आप पंडित वगैरह देख रहे हो, वो आप देख लो, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। ये देख लीजिए पूरे बरसाना शहर का व्यू है यहाँ से, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, पूरा पूरा बरसाना शहर है ये। ये देख लीजिए राधा रानी मंदिर का मेन गेट है, और देख लिया बिल्कुल ये नंगारची जो नंगारा बजा रहा है, आप उसको देखिए। La
लाडली जी महाराज बरसाना, लाडली जी मतलब राजे रानी। आप देख लीजिए यहाँ से, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं राधा रानी मंदिर में। तो दोस्तों अभी राधा रानी मंदिर है, दर्शन कर लिए हैं और अब हम नीचे पैदल पैदल उतर के जा रहे हैं हमारे टैक्सी की तरफ। जो ऑटो ई रिक्शा वो लेंगे और फिर वहां से जाएंगे बस तक। राधा रानी मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं और अब एक छोटा सा ढाबा वहां बैठे हैं, बाकी सब लोगों का इंतजार कर रहे हैं और अब यहाँ बैठे बैठे हम पी रहे हैं चाय। चाय पियो और मौज करो। ये देख लो अभी दोपहर का खाना हमारा। एक्चुअली क्या थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी तो ये भैया बैठे हैं और ये लोग सभी जो साथ वाले हैं ये सब लोग हेल्प करा रहे हैं एक दूसरे की। ये हमारे सेठानी जी, सेठ जी वहाँ विराजमान है ये सामने। तो अभी खाना खाते हुए लंच का टाइम हो गया है, आप देख लो। और मैं भी इनके साथ ही खा रहा हूँ। दोस्तों अभी आज का खाना वाना खा लिया है और अब हम रवाना हो रहे हैं यहाँ से गोवर्धन के लिए। और